हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेट्स प्ले द वीडियो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या ये बॉडी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किसी और काम की वजह से ये सिस्टम बना हुआ है। तो अगर हम अदर और सिस्टम्स की बात करें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये जो सिस्टम है ये बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अपनी बॉडी के सर्वाइवल के लिए इसकी कोई नीड नहीं होती, ये सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज को अर्थ पर एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी की, देन फिर फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन, कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स को हम इंक्लूड करते हैं। द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं उसमें किस किस ऑर्गन को इंक्लूड करने वाले हैं, सबसे पहला अपना टेस्टिस के बारे में, ठीक है, जो क्या करते हैं मेन जो गोनाड्स है किसके, मेल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ सिस्टम ऑफ डक्ट, यानी कि सेकंड हम बात करते हैं एक पूरी डक्ट्स का क्या होता है, सिस्टम होता है। तो जो डक्ट्स है उसमें कौन कौन सी डक्ट्स इंक्लूड करते हैं, पहला अपना एपिडीडाइमिस, जिसके बारे में हम फर्दर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो अपना ये जो डायग्राम है ये क्या है, अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटीरियर व्यू है, यानी कि सामने से लिया गया है। इसमें देखो आपको कितने टेस्टिस दिख रहे होंगे, दो, फर्स्ट और सेकेंड, यानी एक लेफ्ट साइड में होता है और एक होता है राइट साइड में होता है। ध्यान देना है जो टेस्टिस, अगर ये टेस्टिस लिख रहे हैं तो ये है अपना प्लूरल वर्ड है, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंगुलर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, टेस्टिस, उसकी स्पेलिंग इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं। अ सिस्टम ऑफ डक्ट, इसके बाद में क्या है, एक डक्ट्स का सिस्टम है, उसमें कौन कौन से डक्ट इंक्लूड करते हैं, तो ये जो अपनी जो वाइडर जो डक्ट दिख रही है ये टेस्टिस के जस्ट ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपिडीडाइमिस। तो फर्स्ट जो डक्ट है वो क्या है, अपनी एपिडीडाइमिस। इसके बाद फर्दर जो कंटिन्यू जो डक्ट्स है वो कौन सी, अपनी डक्टस डेफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है टेस्टिस के जस्ट ऊपर से एपिडीडाइमिस, फिर फर्दर जो आगे कंटिन्यू हो रही है वह है डक्टस डेफरेंस है। ठीक है, ये भी एक डक्ट है। इसके बाद में कौन सी, अपनी इजैक्युलेटरी डक्ट्स, जो आगे जो फर्दर कंटिन्यू है वो इजैक्युलेटरी डक्ट्स है। इसके बाद में सीधा आता है अपना क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, इसके बाद में इन डक्ट्स के अलावा हम क्या करते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जो कौन कौन सी ग्लैंड्स है, पहला अपना सेमिनल वेसिकल्स। तो आपको ये जो पाउच रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये क्या है, अपनी सेमिनल वेसिकल्स होती है, जो सीमन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको सिक्रेशन करती है। जो वाइट टेस्ट जो अपेरियंस होता है वो सेमिनल वेसिकल्स की वजह से होता है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम आगे डिटेल में फर्दर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, सबके बारे में, एनाटॉमिकल पोजिशन, इनकी जितनी फंक्शनिंग है, इनकी जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में। तो ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल्स हो गई, दूसरी कौन सी ग्लैंड्स, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो आपने नाम भी सुना होगा कि पी शेप की एक ग्लैंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। नेक्स्ट अपने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा एंड सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेन गोनाड्स है, टेस्टिस हो गया, इसके अलावा डक्ट्स हो गई, और इसके अलावा क्या हो गया, अपनी ग्लैंड्स हो गई, लेकिन और भी जो अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इन जो अपना जो पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्क्रोटम हो गया। ठीक है, जो स्क्रोटम है वो क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। तो ऐसी अदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि गोनाड्स हैं, डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आइए अब फर्दर हम इन एक एक जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी जो स्ट्रक्चर है स्क्रोटम के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्क्रोटम है वो क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिंग किसको करती है, टेस्टिस को सपोर्ट करती है। तो देखते हैं इसके बारे में, द स्क्रोटम द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी जो स्क्रोटम है वो क्या है, एक प्रकार की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट करती है किसको, टेस्टिस को, फॉर द टेस्टिस, किसके लिए है ये, टेस्टिस के लिए। कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन एंड सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बनी किससे होती है, तो किससे बनी होती है, लूज स्किन से ये बनी होती है। ठीक है, लूज स्किन से क्यों बनी होती है, क्योंकि जो स्क्रोटम है ये क्या करता है, जो टेस्टिस है उसको टाइटनेस का यानी मूवमेंट कराने काम भी करता है, इसको ये बॉडी के बिल्कुल क्लोजर भी ले जाता है और दूर भी ला सकता है। अभी हम आगे देखेंगे इसके।
फंक्शन में, तो लूज स्किन से बनी होती है, साथ में सब क्यूटेनियस लेयर के द्वारा क्या होती है बनी होती है, क्यूटेनियस लेयर के जो नीचे की जो लेयर होती है उससे बनी होती है। इट अकर फ्रॉम द रूट ऑफ पेनिस टू एनस। अब देखते हैं कि ये जो कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, तो जो पेनिस है, पेनिस का जो रूट होता है, ठीक है, उस रूट से लेके ये पीछे की तरफ एनस तक क्या होती है ये फैली हुई रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये रूट ऑफ पेनिस से, और कहाँ तक जाती है अपनी एनस तक ये जाती है। एंड इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये किसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, पाउच की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कौन सिचुएटेड रहते हैं, अपने टेस्टिड सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, किसकी जो संरचना होती है स्ट्रक्चर वो कैसी होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि एक तो इंटरनली कैसी होती है और एक्सटर्नली कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरनल में, इंटरनल स्क्रोटम डिवाइडेड बाय सेप्टम इनटू सैक। अब जो अपना जो स्क्रोटम है जो क्या करता है, डिवाइड होता है किसकी वजह से, सेप्टम की वजह से। मान लो ये स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रफली हम एक डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इस सेप्टम की वजह से, सेप्टम क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी चीज़ को दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये जो है इस सेप्टम की वजह से क्या होती है, दो भागों में डिवाइड रहती है, सेक बनाती है, ठीक है। अब ईच सेक हैज सिंगल टेस्टिस। अब ये जो इसने सेक बनाया, पर्टिकुलर स्पेस बनाया, इस जगह के अंदर कौन सिचुएटेड रहेंगे, अपने टेस्टिड क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनली अगर हम बात करें, जो स्क्रोटम है वो दो भागों में डिवाइड होती है, डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, सेप्टम। और प्रत्येक जो सेक है, ईच जो सेक होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। एंड एक्सटर्नल स्क्रोटम सेपरेटेड बाय रिज एंड रैपे, ठीक है। तो इंटरनली हमने बात कर ली, अब एक्सटर्नली देखें, तो एक्सटर्नली इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रिज पाए जाती है एंड रैपे पाए जाते हैं। रिज का मतलब क्या होता है, अगर बाहर से आप देखोगे तो जो स्क्रोटम, मान लो स्क्रोटम है, तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, एक ऐसी रिज दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी एक लकीर सी क्या होगी आपको दिखाई देगी। और साथ साथ में बाहर की तरफ क्या होते हैं, ऐसे लहरदार जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इन लहरदार जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, रैपे कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होते हैं, अपने हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं स्क्रोटम के ऊपर। तो बाहर से हम देखते हैं तो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेक को दो भागों में डिवाइड करती है, साथ में इसमें क्या होती है, रैपे पाए जाते हैं, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। जो ये हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। द सेप्टम मेड अप सबक्यूटेनियस लेयर एंड टू मसल्स। अब हम इंटरनली बात करते हैं, जो ये जो सेप्टम है जिसने स्क्रोटम को दो भागों में डिवाइड किया है, ये जो सेप्टम होती है ये किस किस से बनी होती है, तो जो सेप्टम है वो पहले तो कौन सी लेयर से बनी होती है, सबक्यूटेनियस लेयर से बनी होती है। साथ साथ इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, ठीक है। मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेगी। अब दो मसल्स कौन कौन सी है, पहली है डार्टोस मसल और दूसरी क्रीमास्टर मसल्स होती है। पहले देखते हैं हम डार्टोस मसल्स के बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। जो डार्टोस मसल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, अपनी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। एंड कोजेज टाइटनेस इन स्क्रोटम टू रिड्यूज हीट। और क्या करती है, जब कोल्ड के एक्सपोजर में आते हैं, अपने जो टेस्टिस है कोल्ड के एक्सपोजर में आते हैं, तो उस समय अपने जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस को कहाँ ले जाते हैं, अपने बॉडी के बिल्कुल पास में ले जाके चिपका देते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है, देखो पूरी अपने जो ऑर्गन्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, बॉडी के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्टिस है मेल के अंदर, ये कहाँ सिचुएटेड है, बाहर की तरफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म बनने के दौरान अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, तभी जो स्पर्म उनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो लो टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस कंडीशन में जो टेस्टिस है वो बाहर रहते हैं। अब जैसे कोल्ड की कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, तो जैसे अपने जो टेस्टिस है कोल्ड के क्या आएंगे, एक्सपोजर में आएंगे, तो ये जो टेस्टिस इनको क्या चाहिए, एक प्रकार की हीट चाहिए, ताकि इनकी जो है हीट लॉस ना हो। तो ये जो है मसल से जो क्या करती है, उन टेस्टिस को स्क्रोटम के द्वारा क्या करती है, ऊपर की तरफ क्या कर देती है, बॉडी के बिल्कुल चिपका देती है। तो पहली जो मसल्स है डार्टोस मसल्स है, जो स्मूथ मसल से बनके बनी होती है, ये क्या करती है, जो स्क्रोटम है उस स्क्रोटम में क्या कर देती है, टाइटनेस कर देती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो स्क्रोटम से लॉस नहीं हो पाए।
तो सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा जो स्क्रोटम है वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, ताकि जो हीट है वो कम से कम क्या की जाए, लॉस की जाए। दूसरा है, दूसरी मसल्स अपनी कौन सी, क्रीमास्टर मसल्स है। इट इज़ कंपोज ऑफ स्केलेटन मसल्स फाइबर। ये जो मसल्स होती है क्रीमास्टर मसल्स, ये कौन सी टाइप की मसल्स, अपने स्केलेटन मसल फाइबर है। अपने बॉडी में तीन ही तो मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल्स। तो कार्डियक मसल तो कार्डियक यानी हार्ट में पाई जाएगी, इसके अलावा जो अपनी डार्टस मसल्स है वो स्मूथ मसल टाइप की है, और जो क्रीमास्टर है वो कैसी, अपनी स्केलेटन मसल्स फाइबर होती है। ये क्या काम करती है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव टेस्टिस क्लोजर टू बॉडी टू ऑब्जर्व हीट। तो सर्दियों के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है टेस्टिस का, तो ये तो क्या कर रही थी, अपनी डार्टस मसल्स तो हीट को रिड्यूस होने से रोक रही थी, बाहर निकलने से रोक रही थी। अब जो क्रीमास्टर मसल्स है वो क्या करेगी, जो स्क्रोटम है उसको टाइट करेगी और मूव करा देगी, और मूव करा के कहाँ ले जाएगी, क्लोजर टू बॉडी, बॉडी के बिल्कुल कहाँ ले जाएगी, क्लोज में ले जाएगी। वहाँ से ये क्या कर सकती है, फिर हीट को एब्जॉर्व करेंगे और जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्क्रोटम है ये फंक्शन करेगा, ठीक है, इसमें भी सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, इनको भी तो क्या चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए ब्लड चाहिए। तो इसे जो स्क्रोटम इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई करने के लिए अपने पास दो आर्टरी है, पहली है सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी और सेकेंड अपनी डीप प्यूडेंडल आर्टरी। प्यूडेंडल जो आर्टरी होती है वो पेरिनियम कैविटी को क्या करती है, अपने मोस्टली क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो कौन कौन सी पेरिनियल आर्टरी, अपनी सुपरफिशियल और डीप, ठीक है, याद रखना है, पेरिनियल केयर को करती है, पेरिनियल केयर में टेस्टिस अपने, तो कौन से टाइप की करेगी, अपने सुपरफिशियल और डीप करती है प्यूडेंटल आर्टरी, जो फीमोरल आर्टरी की होती है, ब्रांचेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो कौन कौन सी जो नर्व है वो क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई करती है, पहली कौन सी, अपनी लंबार वन से लेकर और अपने सेक्रम थ्री तक के जो सेगमेंट है वो ही नर्व क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई करती है, L1 से लेके S3 तक करती है। तो ये था अपने स्क्रोटम के बारे में, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी स्ट्रक्चर्स देखी और कैसे इसमें मसल्स जो है फंक्शन करती है, और जो टेस्ट इसका टेम्परेचर उसको क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, साथ ही ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई अपने इसमें देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट अगले जो फर्दर जो स्ट्रक्चर्स है उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।